हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इस तरह के मूढ़े को, जिसे आप सेटी भी बोल देते हो, इसको नया लुक दे सकते हो। और दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो ऊपर का बेस होता है ना गाइस, ये बहुत ही सॉफ्ट और हल्का कपड़ा लगा हुआ था जो कि अभी निकल चुका है। इसके जो जॉइंट थे वो ओपन हो गए अभी। तो अभी हम कुछ ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि इसको बिल्कुल नया लुक दे देंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको माप कर लेना गाइस। यहाँ से मैंने माप कर लिया, तो सभी ओर से आपने देख लेना है। वैसे तो सेम ही होता है, ये राउंड है इसलिए। तो इसकी चारों ओर मैंने माप किया है, तो ये है 14 इंच, 14 इंच, ठीक है। तो 14 इंच का ये जो ओवरऑल राउंड है वो है। तो जैसे कि हम इसका हाफ़ करेंगे तो गाइस 7.5 बनता है इसका सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है कोई भी फैब्रिक, आप ले सकते हो। जो मैं ले रही हूँ ये थोड़ा सिंथेटिक लुक में है गाइस। इससे क्या होगा, इससे इसकी जो लुक है ना, फिनिश है, वो बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप ये वाला फैब्रिक लेते हो तो, ठीक है। क्योंकि कॉटन वाला कपड़ा ज़्यादा अच्छी लुक दे नहीं पाएगा, तो ये वाला कपड़ा मैंने इसीलिए लिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक बार फैला लिया इसको इस तरीके से, उसके बाद गाइस मैं इसका जो पहले माप कर रही हूँ, इसकी जो लेंथ है वो ले रही हूँ 14 इंच जैसे हमने माप किया था, बट हमने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, तो हम लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 17 इंच मैं ले रही हूँ, 17 इंच इसकी जो ओवरऑल लेंथ है। तो 17 इंच पे हमने निशान लगा लिया। जैसे कि मैंने यहाँ से लिया था गाइस, यहाँ से लेकर 17 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हाफ बनता है वो 8.5 बनता है। 8.5 पे भी हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे सेंटर पे इसके। तो निशान लगा लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था, यहाँ से लेकर बिल्कुल सीधा हम निशान लगाएंगे 8.5 पे, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 8.5 पे, 8.5, तो इस तरीके से गाइस हमने ये जो मार्क लगाना है 8.5 पे सभी और लगा लेना है, सभी किनारों पे, ठीक है। राउंड शेप में आपने लगाना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। अभी मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे निशान थोड़ा दूर लगा हुआ था तो मैंने पास कर दिया ताकि आप देख सको। तो देखिए, हमने राउंड शेप में ये जो निशान है लगा लिए सभी और। अभी हम इसकी करेंगे कटिंग, तो मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गैस, इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल राउंड शेप में बन के रेडी हो गया हमारा ये जो कवर है। और अभी हमने क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो दो लेयर बनी है मेरे पास, क्योंकि मैंने दो पीस कट किए थे, तो अभी हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो सारी किनारी इसकी फोल्ड कर लेंगे राउंड शेप में। तो गाइस, फोल्ड करने के बाद मैंने देखिए सैटी पे लगा दिया है इसको, कितनी अच्छी लेयर्स इसकी आ रही है और कितना प्रिटी ये लगा हुआ लग रहा है।
और जो आपकी सेटी थी ओल्ड वाली वो भी इससे कवर हो गई है, बिल्कुल नया लुक आपके मूड़े को आपकी सेटिंग को मिला है। इस तरीके से आप ही इसको कर सकते हो गाइज़, बहुत ही कम समय में ये जो है बहुत ही काम का टिप है, आपके बहुत काम आने वाला है, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। तो दूसरा टिप जो है वो भी बहुत ही आसान है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो वाला अपना सकते हो। तो वो है, ये मैंने लिया है गाइज़ वुलन का हैंकी है मेरे पास, ऐसे ये बुना हुआ है। तो इस तरीके का कोई आपके पास हैंकी हो तो या तो फिर आप मार्केट में से भी ले सकते हो, तो उसको इस तरीके से इसके ऊपर फैला देना है आपने सेटी के ऊपर मोड़े के ऊपर, तो इससे इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव और नया लुक मिलता है। तो देखिए कितना प्रीटी लग रहा है आपकी ये जो सेटी है। तो इस तरीके से आप भी ये जो टिप है फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइज़, और शेयर करना तो कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना।